Hi guys, welcome to our new vlog. खाड़े की चाबी तू ना ले आया भाई, हम आए हैं आज खाड़े में, वर्कआउट करेंगे बढ़िया वाला देसी वर्कआउट, मस्त मस्त जिसको बोलते हैं। और आज कोशिश करेंगे कि तुम्हें थोड़ी सी कुश्ती भी करके दिखाएं, अगर कोई दूसरा बंदा आया तो जिसके साथ कर सके, क्योंकि तुम्हें भी पता है भाई कि और कुश्ती करने के लिए तो दो बन जाती है ना। अभी तो मैं अभी भी दिखाता हूँ अखाड़े का। ये भाई अखाड़ा हमारा, ठीक है, ये पार्क है बाहर, यहाँ अपने भाई कार्डियो करो, इसमें रनिंग करो, रनिंग और इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो अपना। तब भी तो ये लाए नहीं नकली, अबे इसको बोला था मैंने लिया भाई, तब भी लाए हर बार ऐसे करता, चाबी भूल गया यार ये, बता हद कर दी, मेरे तक होगी चाबी। तो इसका भाई आएगा, अब उसकी वेट करेंगे हम, फोन करना उसको, डांस कर रहा है डांस स्टार्ट कर रहा है। ओ सुशील सुनाइए, पहलवान जी मिल, ये हमारा पहलवान है सुशील, सुशील कुमार, क्या हाल है भाई सुशील? भाई बढ़िया। चाबी है कितना दोरे की? चाबी वगैरह लेनी पड़ेगी, मैं लाइट जलाना आया था, मैं ले आना चाबी, ले आना है, क्या मिनट में आ जाएगा? लड़की है कड़की ना, यो रहा कर रहे नीचे। अरे अच्छा सुशील है यो, क्या मिनट में आओ सुशील, 5 मिनट में जल्दी आ जा, आड़े खड़े बाहर इतना, अभी ये पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, ये पैरोल पे बाहर आ सुशील कुमार, देखो तुम लिंक के ठाडे हैं लाइट हमारी इसमें, कोई ना जित खड़े हो जाए, बड़े लाइट आ जाए। अरे ये लाग रहे ना पार्क की, इसके नीचे जहाँ खड़े रहते हैं वहीं फैंस मिल जाते हैं, अपने भाई मिल जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है इसको कैमरा ले ले, आईफोन 5 में ही वीडियो बनाता रहा, 5 है ये, मोर दिखा दे ऊपर, आऊं आऊं कर लाग रहे, नहीं दिखा दे, अभी सुशील आने वाला है भाई, सुशील चाबी लेगा आ चुका है भाई, मान ले यार, रिजल्ट से बाहर आके भी नहीं मान रहे, कह रहे मैं बोल जा सुशील, सुशील हमने पीछे तो 10 क्यों लिखवा रहा है, एक लिखवाना था यार, यो बंदा 10 नंबरी, 10 नंबरी, एक नंबरी, मैंने तुम्हें छोड़ रहा है क्या तू? बिल्कुल बीच में तो ठड्डा हो गया था, मैंने एक दिन मेट्रो में मिला था भाई, रूमाल ले, मैं सोचता यो था ठड्डा कौन खड़ा बॉडी बिल्डर, देखा सुशील था यो था भाई, ले भाई जा बाबा की भाई, खड़े में बढ़ चुके हैं गाइस, जय श्री राम। ये है भाई, ये है भाई खाड़े का व्यू देख लो अंदर से। सुशील चैनल तो ना करा क्या, सब्सक्राइब ना कर रखा? हां देख ली मंत्री जी वाली वीडियो, देख ली जिम के खाड़े की भाई, ये तो इंग्लिश से कब देखी? परसों तो बनी थी ना, उसके बाद था दो और डल्ली भाई, और डल्ली भाई बहुत देख ली, एक ताज डल्ली है तड़के तड़के, अतर देख बात ता दूं, सुशील की एक पार्टी पेंडिंग है भाई, यो बाराणी की पट्टी पे यो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज उसमें टीचर लग गया भाई, अच्छा लग गया भाई, पीटीआई, कांग्रेचुलेशंस भाई, तो भाई ने बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत खुशी हुई है जान के, एक अपना एक भाई और है जिसकी मैं दिल से चाहता हूँ कि वो भी लग जाए, लगी हुई बीपी एड कर रहा है वो, अच्छा मैं चाहता हूँ वो भी लग जाए, किस में? डीयू में लगे हो? हाँ डीयू, कौन सा कॉलेज? कॉलेज भाई आईसी, अच्छा ठीक है, किसे भाई मैं कोई भी जानकारी अच्छी हो फिजिकल तय भाई तो मिल सका है, मेंशन जिसने इस रास्ते इसमें जाना हो पीटाई की लाइन में स्कूल में कॉलेज में मैसेज कर लियो, भाई का नंबर दे दूंगा भाई, समझा देगा क्यों करके प्रोसेस होया करे, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जैसे कि पुराना टाइम था हमारे पहलवान होते थे और वर्कआउट करने के लिए मेहनत करने के लिए जो पुराने बॉडी बिल्डर थे और अभी भी जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं वो लंगोट यूज़ करते हैं ना कि सपोर्टर, उसका रीज़न है सपोर्टर क्या करोगे आप 2-3 बार पहना 4-5 बार धोएगा ना उसकी लास्टिंग डिले हो जाएगी, उसमें होती है रबड़ लास्टिंग होती है और रबड़ के गेज होती है, इसमें कपड़ा है ये ढीला नहीं होएगा, इसको सिर्फ क्या है बांधना आना चाहिए, बहुत बच्चे जो बिगनर हैं और जो बिगनर नहीं भी हैं मेरे साथ के बच्चे हैं कई, नाम तो मैं क्या लूँ, बढ़िया बुढ़ी है दिखने में बढ़िया फिट, और भाई लंगोट बांधना नहीं आता, ठीक है उसका मैं बताता हूँ क्या, एक तो ये क्या है भाई अपने हिसाब से कितना भी टाइट कर लो इसको, दूर होगा बता थोड़ा कैमरे में फ्रेम में, इसको कितना भी टाइट कर लो इसका ये फायदा है सपोर्ट ढीला होगा तो नया खरीदना पड़ेगा, और कितने खरीदोगे भाई, और कईयों की मेंटेलिटी ये होती है कि कुछ नहीं होता लंगोट बांधने से और सपोर्टर पहन लो कुछ नहीं होता, या फिर वो वी शेप वाले जो कई है ना कि बस थाई और उस वाले दिन वी शेप वाली कच्छा होती है वो पहन ले, कई लोग है जो थाई वाले दिन पहनते हैं बस, मेरे भाई लंगोट पहनना बहुत जरूरी है, और क्यों उसका रीजन बताता हूँ मैं, अपने मारी भाषा में देसी भाषा में क्या करें कि नड़े हो जाया करें, पेट में दर्द हो जाएगा वो हमेशा रहेगा फिर, ठीक है फिर तुमने 24 घंटे लंगोट बांधना पड़ेगा, और
अगर मैं फिजिकल लैंग्वेज एजुकेशन की उसमें लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई क्या है, जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं ना उनमें पानी भर जाता है, एक छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, साफ सीधी बात है साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो। और फिर भाई बहुत दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाओगे दर्द, मैंने कहूँ तुम सो के दिखा दियो, तो चाहे कोई सा भी डे हो लंगोट जरूर बांध दे भाई, ठीक है। अब देखो तुम लंगोट बांधने का प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करना है भाई, इसको ऐसे सीधा करना है, ठीक है। और बजरंगबली लंगोट है, बजरंगबली का प्रतीक है भाई, ठीक है। इसको अपने चुचकारो और हमेशा इसको पवित्र रखो, ठीक है। इसको बांधने के बाद मन में कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए, और कोशिश करो कि भाई गाली भी ना दो, सही नहीं कहता भाई, भाई देखिए कोई ना बड़े पहलवान ने जिसने मारता सिखाया बांधना, मेरे तो यह बात कह के सिखाई थी और मैं पालन करता रहा हूँ आज तक, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या है, कई लोग मुंह में दबाते नहीं है, पर भाई मैं दबाता हूँ, कई लोग यहाँ दबाते हैं, मैं अपने यहाँ का फिर अपना है यार, और किसी का थोड़ी बांधा, होठ में दबा लो, दांत में नहीं, होठ में, और अपना तरीका होता है ऐसा, नीचे से ऐसे निकालो इसको नीचे से, और अच्छे से सेट करो, अच्छे से सेट करके, और जहाँ तुम पेंट्री और लोअर मानते हो ना बिल्कुल वहाँ उस एंगल में, उस एंगल में करके, और भाई आगे आ भाई लक्की आगे ऐसे करो, फिर जैसे शूज मानते हैं ना शूज, ऐसे गांठ मार लो एक बार ऐसे करके, और फिर जैसे शूज मानते हैं ऐसे ऐसे बांधना है, ये यूं यूं बांध लो, ये गांठ ऐसे होनी चाहिए, ध्यान रखना कि जैसे शूज बांधते हैं जूते की जैसे बांधते हैं, अगर तुमने गोल गांठ मार दी ना तब खुल लगी नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, और बीच भी जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें इसको पूरा खींचना है जितना खींच सके, एक मतलब पर्टिकुलर एंगल तक, ज्यादा नहीं खींचना है, और ये तो मैं लोअर के ऊपर से नहीं करना, ये तो मतलब बिल्कुल चड्डी के नीचे, हाँ बिल्कुल, मतलब कि उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, चड्डी के ऊपर बांध दिया, चड्डी के ऊपर कोई फायदा नहीं है भाई, मतलब न्यूड होके फिर बांधना है तभी इसका फायदा है, और इसलिए बनाया ये, उसके ऊपर से ये अपना दिमाग मत लगाओ तुम, एडवांस मत बनो, ठीक है, शर्म वाली कोई बात ना, कई शर्म आ भी जाए, जो चीज बनी है जिस चीज के लिए वो वहीं तो बंधेगी। और इसका भाई बहुत तगड़ा महत्व है इसका, जिसको ये लगे ना कि कुछ नहीं होता लंगोट, लंगोट बहुत कुछ होता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे करके ये खोल देना है और अपना धो के और सुखा दियो, यूज करने के बाद धोना जरूरी है, हाँ डेली डेली धोना है। सपोर्टर तो क्या करते हैं बच्चे सुशील, जैसे एक दिन यूज कर लिया मतलब एक हफ्ता यूज कर लिया, एक हफ्ते मतलब जैसे एक हफ्ते दस दिन में एक बार धो दें पैर डेली, हम नहाए हैं खाना खाओ डेली, और ये तो भाई ऐसी जगह बनता है, ऐसी जगह बनता है, डेली धोना जरूरी है भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा क्या पता क्या बीमारी चल जाए, आजकल तो कितनी बीमारी चल रही है भाई, हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए शरीर, ठीक है। अपने कपड़े धो रहे हो तुम डेली नहा रहे हो तो ये डेली शरीर भी तो साफ कर रहे हैं, कपड़े भी साफ जिस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल भाई, तो भाई ग्रोथ हो रही है, कोशिश करना करो कि लंगोटी बांधो, सपोर्टर को छोड़ दो, ठीक है। बाकी वर्कआउट करेंगे दिखाओगे तुमने क्या है अपना भाई सुशील ने कितनी बढ़िया बात बताई और आगे आगे इसी बढ़िया और बात बताऊंगा, और जुड़े रहो ढाका दे जुड़े रहो, बढ़िया बढ़िया चीज दिखाऊंगा, अपने द्वारा फिजिकल के बहुत तगड़े तगड़े से इंसान है, और भाई ने तो नुए मान रहे हो कदे भाई का नेशनल में मेडल है पावर लिफ्टिंग में, ठीक है, तीन बार, ये तो अभी थोड़ी तीन बार इंजरी वगैरह हो गई थी, इंजरी हो रखी है तीन साल से छोड़ रखी है ना बॉडी भाई, नहीं थकती सच में, दोबारा फिर बहुत तगड़ा था भाई छोरा, कैसा लगा? मस्त भाई, तो और होगा।
देसी जमीदा हां भाई हटा ले भाई साहब ट्रेन में तो देखा ही ना भाई क्या कहना चाहोगे भाई? और भाई आप कुछ करना चाहोगे? मैंने घूमगा आदमी ना घोड़े टाइम पे खुराक मिल जाए ना वो कदे बुड्ढा ना होया करे। सही बात है भाई। ओ भाई मारा के सैंपल है देख लो। अरे देखो मारे पसीने से आए का मैं ये बैग पर रखो लेने दो फिर देखो पसीने और कोशिश करेंगे आज के थोड़ी तुम्हें टेक्निक बताई जाए विद मंजीत रेसलर ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन देख तू इधर बेगा फेंकता पड़ा है देख बाकी तो करेगा है जो अगर भाई पा ना मिट्टी में सर कर देंगे उसके बाद जोर जोर जो प्रैक्टिस करनी हो वो करके फिर मैच मेरा दस्त के ऊपर का बिल्कुल पहला जाएगा ये भाई खत्म होगी मेहनत थोड़ी करी है गुण कर के दया बतेरी दादा वीडियो और मेरा मसल पहला ठीक नहीं हो रहा ऊपर चेस्ट बढ़ रही है भाई कैसे शोल्डर भाई कुछ भी है इम नहाओगे ठीक है और फिर जाओगे करा रोटी खाओगे और सो जाओगे और सुशील भाई साहब कोई सुशील भैया कुछ नहीं टीम देना शब्द बताइए बच्चों सारे शब्द आज ये वीडियो में भाई कुछ काल भी ज्ञान देना बड़का थे नहीं फिर आप रोज रोज नहीं मिलते ना हमें ना रोज डेली आ जाएंगे भाई साहब ठीक है एक दिन में सारा ज्ञान मत बांटो हां कल के लिए कुछ बचा रखो फिर ये गांदा खेंगे हमने ना देखेंगे सी बड़का का नेट बच्चा है फिर देखेंगे कम बे एक के दिन में सारा नेट पी जाओगे चलो ठीक है फिर बाय बाय कर दो हम दिखाओगे नाते भी टाटा बाय नाते देख के बाय कर दो भाई आप बाय बाय टाटा बाय जय श्री राम और राम राम सबने और अच्छा खाओ और अच्छा पहनो ना यार देख मजाक नहीं प्यार ठीक दे रहे हैं नए चैनल पर बतेरे भी आ रहे हैं भाई कोई दिक्कत ना रहा है नए प्यार बनाए रखो दिल से कह रहा हूँ ये बात अब कोई नू ना करते कि सब्सक्राइब तो ही अपना शौक है बनाना तो बनाओगे जो हमारे में ज्ञान है वो देंगे जिसने लेना हो ले लो अर्जुन बुरा लागे भाई उससे के दिमाग चलो ठीक है फिर उसको लव यू दिल से चलो बाय अगले व्लॉग में मिलते हैं।